ऊना जिले के धमदाहा प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के ढोकवा मोड़ स्थित धमदाहा भवानीपुर मुख मार्ग पर आज एक ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान धमदाहा के पटराहा पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी दिलखुश कुमार मंडल के रूप में की गई है। वहीं जैसे ही इस घटना के संबंध में परिजनों को पता चला, मृतक के परिजनों ने घंटों सड़क जाम कर खूब बवाल किया। जब घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके पर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी रमेश कुमार सदलबल के साथ पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। वहीं मौके पर मौजूद जदयू नेता मोहम्मद सजाउल, बिशनपुर पंचायत के उप मुखिया दीपक कुमार सिंह और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किस कारण से सर जाम लगा हुआ था? यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुई थी सुबह में। जी सर, इसमें ट्रैक्टर से एक्सीडेंट बताया जा रहा है। जी, एक का 10 हॉस्पिटल। जी सर, 3 लोग घायल हैं। जी, 2 उसमें दुनिया हॉस्पिटल में। जी सर, और 1 को रेफर कर दिया गया। जी सर, ठीक है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।